So what? आपको उस धोखे की इंटेंसिटी का अंदाजा है? जब इतना दूर जाके, इतना आगे जाके उसने जब मुझे डंप किया तो I was क्या तुम? What is your problem? क्या चाहिए था तुम्हें? मैं भी बार-बार अपने आप से यही पूछती हूँ मम्मी कि मुझे क्या चाहिए था? मुझे क्या चाहिए था जो मैं बार-बार उस ब्लैकमेलर धोखेबाज के पास चली गई? जिंदगी में ऐसी किस चीज की तलाश थी जो मैंने सारी हदें पार कर दी? एक 4 साल की चीखती हुई बच्ची जो नंगे पांव दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आ रही थी, उसे सिर्फ एक सहारा चाहिए था मम्मी। झूठा ही सही, धोखा ही सही। हाँ, मैं नहीं बन सकी तुम्हारे लिए अच्छी माँ, नहीं दे सकी तुम्हें वो प्यार जो तुम्हारा हक था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं भी नहीं बन सकी वैसी बेटी, और ना मैं कभी बन सकती हूँ। आई एम सॉरी टू। इट्स टू लेट नाउ। पता नहीं, तब तो मुझे यही लगता था कि मुझे उससे मोहब्बत है। इस भरी दुनिया में वही एक मेरा है जो मुझे समझता है। मेरा अपना है। और अब क्या लगता है? और अब तो ऐसा लगता है इस दुनिया में मुझसे ज्यादा बेवकूफ लड़की कोई नहीं। वो कैसे? वो कैसे मतलब? इतनी स्टूपिड थी मैं, उसकी बातों में आ गई। सच समझने लगी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, अपना समझने लगी, एतबार कर बैठी। इतना एतबार कि कौन सी नई बात है? मोहब्बत में धोखा हो जाना कौन सी ऐसी अनहोनी बात है? ऐसा तो अक्सर होता है। मोहब्बत भी बार बार होती है, धोखा भी बार बार होता है। So what? So what? आपको उस धोखे की इंटेंसिटी का अंदाजा है? जब इतना दूर जाके, इतना आगे जाके उसने जब मुझे डंप किया तो I was pregnant। देखिए वर्किंग वुमेन बुध रात 9 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।